हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल में एक आलू की करी। दोस्तों, ये बड़े ही मज़ेदार की बनती है और काफ़ी आसान है इसे बनाना। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ठीक मेरे वीडियो के नीचे बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 अंडे, इसे मैंने फुल बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू, इसे मैंने 75% तक बॉईल कर लिया है। दोस्तों, यहाँ मैंने पूरा छिलका नहीं निकाला है, थोड़ा बहुत छिलका यहाँ पर रख दिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको छिलका नहीं पसंद है तो आप पूरा उतार दीजिएगा, और अगर ये करी आप पुराने आलू के साथ बनाना चाहते हैं तो आप पूरा छिलका उतार दीजिएगा, वहाँ छिलका रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अंडे में हम कट्स लगा देंगे। अंडे में मैंने कट्स लगा दिया है। यहाँ पर मैंने आलू ले लिया है। अब आलू को हम मिडिल से कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये 75% तक अच्छे से उबला हुआ है और बाकी के 25% हम करी में इसे बॉईल कर लेंगे। तो चलिए अब इसे कुक कर लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल रहे 5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और इसे भी अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम तेल में अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 तेज़पत्ती और 2 हरी मिर्च। अब मीडियम फ्लेम में इसे तब तक हम फ्राई कर लेंगे जब तक ना अच्छा खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप किए हुए और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई कर लेंगे। यह फ्राई हो चुका है। अब एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने रफली चॉप कर दिया है, इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप हरे मटर। दोस्तों, जब ढाबा में हम खाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि अंडे की करी में वहाँ मटर रहता है, इससे करी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। दोस्तों, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो 1/2 टीस्पून मिर्च आप और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर डाल देते हैं 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मीडियम फ्लेम में अच्छे से मसालों को हम भून लेंगे। पहले आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पर काफ़ी हद तक भून चुका है। अब 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसे थोड़ा और भून लेंगे। ये देखिए, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आलू। फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो रखा है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब लो फ्लेम में ही यहाँ अच्छे से हम आलू को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक मिक्स करना है। दोस्तों, ये देखिए, आलू के साथ मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर डाल देंगे 5 बड़े चम्मच पानी ताकि मसाले का जो टेस्ट है आलू में अच्छे से आ जाए, मसाले का कलर आलू में आ जाए। तो यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम में ही हम भूनेंगे। यहाँ करी में उबाल आ गया है लेकिन फ्लेम अभी मीडियम है, तो पहले फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो करने के बाद ढक के इसे 5 मिनट तक हम पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, अब देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू में अच्छा खासा कलर आ गया है और ग्रेवी भी काफ़ी हद तक घट गया है। तो अब यहाँ पर हम चम्मच के ज़रिए थोड़ा सा मिला देंगे दोबारा। दोस्तों, आलू को मसाले के साथ मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप गर्म पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं, अगर कम चाहिए तो आप कम रख सकते हैं। बहुत अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे उबले हुए अंडे।
अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है खाना बनाने के लिए तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए करी में उबाल आ गया है, मैंने हाई फ्लेम में उबाल दे दिया है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक, लेकिन बीच बीच में ज़रूर चेक कर लेना है। 10 मिनट हो गया है, अब इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया एक आलू करी बिल्कुल रेडी है, वो भी ढाबा स्टाइल में। इसे ज़रूर ट्राई करके देखें दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने देखा है दोस्तों कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनके रेडी हो जाता है। तो अब यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और एक बार फिर हम अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों एक आलू करी है बिल्कुल रेडी। वीडियो कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं रुमानास टेस्टी वर्ल्ड के नाम से। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। देखते रहिए रुमानास टेस्टी वर्ल्ड।